सबको डॉक्टर इरफान सारिक का नमस्कार। जैसा कि आपको मालूम है कि कोरोना जो है वो झारखंड को अपनी चपेट में ले लिया है, लोगों की जान जा रही है, लोग मर रहे हैं, लोग तड़प रहे हैं। हॉस्पिटल की जो व्यवस्था है हम बता नहीं सकते, कोई ऑक्सीजन के लिए अपनी जान दे रहा है। ऐसे में मैंने और अपने साथियों के साथ वार्ता मैंने किया है और निर्णय लिया है कि मैं 3 महीना का जो सैलरी है मैं मुख्यमंत्री राहत कोष में देने जा रहा हूँ। साथ ही साथ हमारे साथी भी हमें मदद कर रहे हैं, ताकि इस विकट स्थिति में अगर हम मदद नहीं करें तो मेरा रहना न रहना कोई मायने नहीं रखता। आज आप देख रहे हैं हमारा हिंदुस्तान जो है सेकेंड लार्जेस्ट पेशेंट आ गए हैं, केसेस आ गए हैं। यूएस के बाद हमारा इंडिया का पोजिशन आ गया है, थर्ड में ब्राजील आ गया है। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हम लोग पहले कहाँ थे। हम लोग लगातार अपने नेताओं की बात को माना सुना, घंटी बजाया, थाली बजाया, दाढ़ी तक बढ़ा लिया, लेकिन क्या फायदा हुआ उससे? हम लोग कंट्रोल तो नहीं कर पा रहे हैं। आज सभी लोग अपने हाथ खड़े कर दे रहे हैं। ऐसे में मैं कहना चाहता हूँ, हम बाबूलाल मरांडी जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि आप चिट्ठी लिखने का बहुत शौक है आपको, आज आप देख लीजिए। आज मैं खुद बाबूलाल मरांडी जी को चिट्ठी लिखा हूँ कि बाबूलाल मरांडी जी से मैं सहयोग की अपील की है कि आप खुद और अपने नेताओं से आग्रह कीजिए कि वो लोग भी इस विकट परिस्थिति में आगे आए और वो लोग भी 3 महीना का सैलरी हमारे साथ डोनेट करें, ताकि कम से कम हम ये नहीं कह सकते कि पूरा हम झारखंड का माहौल हम सुधार सकें हम लोग, लेकिन यदि हम लोग 5-6 लोग अगर जान बचा दें इस राशि से तो हमें लगेगा कि हमारी मेहनत सफल हुई और आपको भी लोग दुआ देंगे। तो मैं साथियों से कहना चाहता हूँ कि सभी लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ कि आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और अगर हो सके तो कुछ दान दीजिए गरीब को, हॉस्पिटल को, ताकि और बेहतर से बेहतर हम कर सकें। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।